नमस्कार दोस्तों, मैं बुरहान बंगरवाल और आप देख रहे हैं जहवा लाइव यानी हमारा चैनल सिविल लाइव। आज हम मौजूद है जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर खैरू में। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो पपीता की खेती है। यहाँ पर कुछ किसानों ने पपीता की खेती की है जो जैविक खाद से की है। पहले यहाँ पर इन्होंने रासायनिक खाद से खेती की थी जिसमें इनको मुनाफा नहीं मिला, तो अब इनसे जानते हैं कि इनको यह जैविक खेती करने की कहाँ से पहल मिली और क्या है। आइए हमारे साथ। शांतिलाल राठौर, खरुबड़ी। ये अभी जो आपने पपीता लगा रखी है, तो ये कितने एकड़ में कितने पौधे लगा रखे हैं? इसमें 1200 पौधे हैं। 1200 पौधे हैं और इसमें करीबन 2.25 बीघा जमीन है। 2.25 बीघा जमीन में? हाँ, नहीं, सवा दो एकड़। बारह सौ पौधे हैं। तो आप पहले इस खेती में क्या करते थे? पहले हम क्या करते थे, बरसात में सोयाबीन लगा देते, थोड़ा बहुत गेहूं लगा देते सीजन में। सोयाबीन एक क्विंटल नहीं होता तो उसमें पहले रासायनिक लगा, पहले रासायनिक लगाते थे, अभी जैविक में। अभी जैविक तो में। आपको ये कहाँ से आपने जाना कि हमको जैविक खेती करनी चाहिए या फल फ्रूट की खेती करनी चाहिए जिससे हमको मुनाफा? ये हमने जिला स्तर से भी सुना, जिला स्तर से हमको जो भी समझाइश मिली, कृषि विभाग से समझाइश मिली, उसके आधार पर हमने जैविक खाद का उपयोग। तो ये आपने पपीता कहाँ से पौधे लाए और कितना में आपको एक पौधा मिला और कितना क्या हुआ? ये हम बड़वानी से बड़वा के पास में बड़वा करके तिरुपति नर्सरी, वहाँ से हम पौधे लाए। वो पौधे हमको यहाँ घर बैठे डिलीवरी हमको 14 रुपये पौधा पड़ा। तो कितने 1200 पौधे, कितने लोग, कितने किसान लोग लाए यहाँ पे? यहाँ 8 लोग हैं। कितने लाए लगभग? 8 से 9 हज़ार पौधे हैं। आपको ये सब इतने 1200 एक जगह में करने में कितना खर्चा हुआ? इसमें हमको मिनिमम 80-90 हज़ार का खर्चा आया। अभी कितना मुनाफा आपको इनसे प्राप्त हो चुका है? इसमें अभी तक हमने 2.5 लाख रुपए मुनाफा कमा लिया। 50% अभी और कितना निकलेगा? अभी 50% ऊपर माल हमारे पास में है। तो ये जैसे आप अभी इसको तोड़ के सेल करोगे उसके बाद आप पुनः लगेगा ये? हाँ, ऊपर फिर भी चालू है। तो इसको कौन सा पौधा कहते हैं, क्या नाम इसका? ये ताइवान 786। तो ये इसमें बीज है या फिर बिना बीज? देखो, इसमें बीज तो बहुत कम निकलते हैं, कोई अमुक निकलते नहीं, कोई पपीते में निकलते नहीं। आप इसको सेल करते हो मंडी में या फिर खुद के स्तर पर? ना, खुद स्तर पर हम यहीं बेच देते हैं। पहले क्या लगा रखा था आपने? पहले सोयाबीन लगाते थे तो इसमें 80 से 90 किलो होते थे और गेहूँ 2.5 क्विंटल होते थे। और अभी हमने 541 पौधे लगाए, इससे समथिंग 1,10,000 रुपये मुनाफा कमा लिया है और अभी आधा माल बाकी है। तो इसमें कौन सा खाद डालते हैं आप, जैविक है या रासायनिक? इसमें जैविक खाद डालते हैं। और पहले जो खेती आप करते थे? पहले रासायनिक खाद डालते थे। उसमें फायदा है आपको क्या लगता है किसान लोगों उससे ज्यादा इससे इसमें मुनाफा है किसान लोगों को? क्या आप जैविक खाद उपयोग करने का बोलोगे? जैविक खाद उपयोग करना चाहिए सबको, रासायनिक खाद छोड़ना चाहिए, उसमें जमीन वमीन भी खराब नहीं हो और अच्छा रहे। आप भी ये सेल खुद के स्तर पर करते हो या फिर मंडी में? खुद भी सेल करते हैं और मंडी में भी करते हैं। हमारे पास और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। जो पहले आप कौन क्या करते थे? हम पहले कपास करा था, उसके पहले 3 क्विंटल नहीं हुआ उसमें, तो अभी फिर हमने परिवर्तन करके ताइवान 786 पपीता का बगीचा कर रखा। कहाँ से पौधा आपको मिला? ये पौधा हम लाए बड़वा उकारेश्वर के पास तिरुपति नर्सरी से। आपको ये कहाँ से समझ में ये लगा कि हमको करना चाहिए जिससे हमको मुनाफा होगा? ये हमने आगे से भी तलाश करी और कृषि केंद्र से न्यू जानकारी ली, तो उन्होंने कहा जैविक से फायदा है। और सारंगी एक पाटीदार जी है, उनसे नितिन पाटीदार, उनसे सलाह मांगी तो उन्होंने कहा अच्छा है। तो अभी जो आपने पपीता लगाया है अभी तक आपने कितना सेल कर दिया और कितना? हमने अभी 80,000 आ गए और 50% और बाकी है फल। अब आप किसानों को क्या राय देना चाहोगे, रासायनिक खेती जो है अच्छी है या फिर जैविक खाद जो है अच्छा? जैविक खाद उपयोग करो, रासायनिक को मना। उसमें क्या फायदा है जैविक में? आप जैविक में जमीन खराब नहीं होगा और जो अपन यूज करते हैं इसको फल खाना करने में मीठा भी रहेगा और कोई बीमारी नहीं करेगा शरीर में। इसमें कितना क्या लगता है, कितना पपीता में कुछ क्या लगता है, इसमें कितना खर्चा आ जाता है? इसमें 770 पौधे में हमने खर्चा आ गया 1 लाख। एक लाख हाँ, धीरे धीरे बिछाई उसमें पन्नी मल्चिंग
बागर करी। अच्छा, जैविक खाद से ये बताइए कि जमीन को कोई नुकसान है या रासायनिक खाद से? रासायनिक से जमीन बहुत कड़क होती और जमीन की उसकी उर्वरा शक्ति कम हो रही। और जैविक से? जैविक से अच्छा है और नमी रहती है इसमें जमीन में। आप लोगों ने सुना, यहाँ पे किसानों का कहना है कि रासायनिक खाद को छोड़ जैविक खाद अपनाएं ताकि जमीन भी सुरक्षित रहे और अपना जो बिजनेस है वो भी आगे तक जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब।